हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग। और ये देखिए मेरा, एक्चुअली आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी दोपहर से कर रहे हैं। बच्चे हो सो रहे हैं और आप लोग को लगेगा कि मैं ये चश्मा वश्मा क्यों लगाई हूँ। यही मैं ले आई हूँ लेंस कार्ट से। तो बताइएगा कैसा लग रहा है। मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं आ रहा है। वैसे आजकल ट्रांसपेरेंट ग्लासेस खूब चल रहे हैं और लेंस कार्ट के ग्लासेस की तो आप लोग बात जानते ही हैं। इतने लाइट वेट और मतलब लग ही नहीं रहा है कि मैं आँखों पे कुछ लगाई भी हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। इका कहता अनाज तो गाइस, अभी ना मैं आज डोसे का फुलाई थी, मतलब भिगोई थी दाल और चावल। ये देखिए दाल तो मैंने पीस दिए, ये चावल बचा है। देखिए दाल अभी अभी पीसी है। तो मैं सोची कि अभी अभी पीस दूँ तो फर्मेंट हो जाएगा ना, तो कल बच्चों को लंच में दूंगी। तो गाइस मेरा चश्मा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी भी चलिए पीसते हैं। Thank you.
हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग। और आज देखिए इडली बना रही हूँ और थोड़ा सा आलू का भी। हेलो गाइस, देखिए मौसम कितना अच्छा हुआ है, लेकिन इडली में ये देखिए पूरे पत्ते ही पत्ते, देखिए चारों तरफ, ये देखिए हमारे अंदर भी पत्ते कितने सारे आ गए, देखिए। पूरा गिर के चारों तरफ, बच्चे गए स्कूल और अब तो लग रहा है दिन भी खुल जाएगा। अच्छा, धूप निकलने वाली है। ये गाइस देखिए, आज ना सांभर बन रहा रही हूँ मैं, तो उसके लिए प्याज और बैंगन जो है कर दिया है, और ये थोड़ा सा देखिए लौकी भी काटे हैं, टमाटर भी है। तो चलिए
यहाँ पे ना रात में इतनी ज्यादा आंधी आई थी तो लाइट तो कट गई है क्योंकि पेड़ वेड़ गिर जाते हैं ना तो एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, तो इसीलिए लाइट आई नहीं है तो चटनी तो बन नहीं पाएगी। तो मैं सोची कि सांभर ही बना दूँ, इसीलिए मैं ना बच्चों को लंच में सोची थी कि इडली दूंगी लेकिन नहीं दे पाई क्योंकि फिर कैसे खाते। बच्चे तो बोल रहे थे कि मम्मा बुकनू से दे दीजिए, लेकिन मैं बोली कि नहीं। फिर बुकनू से क्या होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा मतलब गले में फंसता है, स्कूल में पानी वानी पियेंगे कि नहीं, इसीलिए मैं दी ही नहीं। मैं बोली नहीं घर पे आके ही खाना। तो वही देखिए मैं सांभर बना रही हूँ। देखिए मैंने लौकी भी डाल दी है, अभी ना टमाटर काट के डालती हूँ। गाइस ये देखिए मेरा जो बैटर है ना डो इडली का, वो देखिए कितना फर्मेंट होके कितना ज़्यादा फूल गया है। अब इससे इडली बनेगी इतनी स्पंजी ना कि पूछिए मत। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कल से मैं इसी नाइटी में पड़ी हुई हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, लाइट नहीं है तो पानी नहीं आएगा, और रात में इतनी ज़्यादा आंधी तूफान आया ना तो आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं पेड़ गिरे होंगे तो उसकी वजह से ये लोग बना रहे हैं बिजली विभाग वाले, तो लाइट नहीं है और लाइट नहीं आती है तो पानी नहीं रहता है। तो अभी तो शीला आई थी तो टंकी का भी पानी ख़त्म हो गया है। मैं उसको बोली कि जाने दो पोछा रहने दो, लेकिन जो पानी स्टोर किया हुआ था उसी से वो करी है, और अब मैं पानी बिना कैसे नहाऊंगी, थोड़ा बहुत पानी है तो उसको रखे हैं कि कभी वॉशरूम ही किसी को जाना हुआ तो। और पीने का भी पानी बहुत थोड़ा सा बचा है आरओ का, मतलब चार बॉटल तो एक मेरे हस्बैंड ले गए, तीनों बॉटल उन लोग भर के ले गए, और रात का ही मतलब 8 बजे पानी चला गया था। उसके बाद से सबका पीना वीना हुआ, सुबह हुआ तो पानी तो अब है नहीं, तो मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो मैं सोची कि चलो किचन का ही काम कर लेते हैं। किचन का भी ऑलमोस्ट हो गया है, आज इडली बनाए थे ना तो सुबह ही सांभर बना दिए, और अब दोपहर में मेरे हस्बैंड इडली नहीं खाएंगे, वो एक बार जो खा लेते हैं ना फिर वो दोबारा नहीं खाते हैं, तो उनके लिए कोई भुजिया और रोटी देखूंगी तो वो बना दूंगी। तो गाइज अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से व्लॉग में। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करिए, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। फिर अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।